मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। कल 7 जुलाई को उत्तर कुंजी हमारे द्वारा जारी की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं जब आप परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे सबसे पहले अगर आपको किसी की उत्तर कुंजी मिलेगी तो मेरी मिलेगी, क्योंकि अभी तक CTET की उत्तर कुंजी किसी के द्वारा नहीं जारी की जाती थी न किसी संस्था द्वारा। यह पहल मैंने शुरुआत की है और हो सकता है इस पहल को कॉपी करने के लिए बहुत सारे संस्थान पहले से ही तैयार हो जाएं, लेकिन वो मेरी उत्तर कुंजी के आधार बनाकर संभवतः हो सकता है वो अपनी उत्तर कुंजी भी जारी करे। लेकिन फिलहाल इस बात से हमें कोई संदेह नहीं है, न इस बात से हमें किसी प्रकार की कोई समस्या है। हाँ, बस आप सब तक उत्तर कुंजी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब आप परीक्षा हाल से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो तलाश होती है वो उत्तर कुंजी की, कि हमारे कितने सही हैं। ये इच्छा हर एक अभ्यर्थी के अंदर होती है, कहीं ना कहीं ये इच्छा आपके अंदर भी होगी। और आप भी अभ्यर्थी, मैं भी अभ्यर्थी, कल की परीक्षा में आपके साथ मैं भी बैठूंगा, तो मेरा फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर है, तो संभवतः मैं 4:30 बजे में आपके साथ बाहर आऊंगा। तो 4:30 बजे के बाहर आने के बाद थोड़ी सी समय मुझे अपने घर तक पहुंचने में लगेगा, उसके बाद उत्तर कुंजी के लिए हम लोग लग जाएंगे। तो उत्तर कुंजी में थोड़ी समय आपको लगेगा, क्योंकि उसका कारण यह है कि सीटेट का पेपर होता है काफी लेंदी होता है, काफी बड़ा होता है। तो जैसे अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में CDP, EVS और पर्यावरण, ये तीनों के लिए कॉमन है, ये सभी के लिए कॉमन है, तो इसके उत्तर कुंजी जल्दी से जारी की जा सकती है। लेकिन उसके बाद आता है लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये तीन लैंग्वेज हमारे द्वारा भी जारी की जाएगी। लैंग्वेज में फर्स्ट सेकंड दोनों लैंग्वेज में जारी करनी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड हिंदी है, किसी का संस्कृत है, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज जारी करना है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा सबके हैं, सबके पहले जो हैं हिंदी फर्स्ट और सेकेंड में संस्कृत या इंग्लिश है, इसलिए हम सबसे पहले लैंग्वेज का उत्तर कुंजी जारी करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। उसके बाद पेपर टू की बात करते हैं, पेपर टू में भी CDP के बाद सोशल साइंस और साइंस दोनों में भी 60-60 क्वेश्चन है, उसके उत्तर कुंजी 4-4 सेट में, फिर उसके बाद लैंग्वेज उसके भी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और उसकी 4-4 सेट बनेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मुझे अचानक बाहर निकलने के बाद इतना सारा वर्कलोड लेना थोड़ी सी मुश्किल होगी। हाँ, लेकिन आप इंतजार करिएगा, कहीं मत जाइएगा, मेरे फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, मेरा प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है इलर्निंग विद दुर्गेश, और टेलीग्राम चैनल जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा, इलर्निंग विद दुर्गेश आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आपको मिल जाएगा। उसके लिए मुझे कॉल ना करिएगा, ना मुझे मैसेज करिएगा, बस आप जाइएगा और वहाँ से उठा लीजिएगा और अपने उत्तर कुंजी से अपने बुकलेट का मिलान कीजिएगा, और लगे कि नहीं वास्तव में अगर ये भेजने योग्य तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि परीक्षा देके बाहर निकलने के बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो होती है उत्तर कुंजी, और उत्तर कुंजी के लिए आप परेशान ना होइएगा, हम आपके साथ हैं। और सबसे पहले, क्योंकि मैं परीक्षा देके बाहर निकलूंगा, निकलने के बाद चाय पानी करने के बाद मैं उस मिशन पर लग जाऊंगा, और उस पर मेरी टीम तो छोटी है, लेकिन ये कहता हूँ प्रदेश की सबसे बेहतर टीम मेरे पास है, बहुत छोटी टीम है मेरे पास, और एक तरफ बड़ी बड़ी टीम नहीं है, एक छोटी सी टीम है, और उस टीम का अगर कप्तान है तो कप्तान आपके साथ है और तब तक रहेगा जब तक आपको अंतिम रूप से चयनित ना करा ले। तो आप भी इंतजार करिएगा और मेरे सभी सोशल मीडिया से आप जुड़े रहिएगा, ताकि आपको कहीं से भी चूक ना हो, सबसे पहले आपको उत्तर कुंजी प्राप्त हो और आप अपने आप को मिलाकर संतुष्ट हो जाएं, तथा आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक भी हमें हमारे फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी यूज करते हैं आप अपने फीडबैक हमें उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि आपकी फीडबैक से हम और बेहतर कर सके। तथा साथ ही साथ अगली बैच UPTET की भी 11 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी, और हम ये चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम अपनी पढ़ाई तब तक करें जब तक आप अंतिम रूप से चयनित ना हो जाए। और यह प्रयास एक बड़ा ही कहने के लिए मेरे लिए सराहनीय प्रयास है, क्योंकि अभी तक CTET की उत्तर इसलिए कोई नहीं जारी करता कि उसके एक से अधिक उत्तर होते हैं, और कहीं ना कहीं सबके ऊपर स्टार्चन लग जाते हैं कि कहीं ज़्यादा उत्तर गलत ना हो जाए। लेकिन हमें ये पता है, मैं एक अभ्यर्थी होने के नाते सबसे ज़्यादा सही उत्तरों के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। कारण क्या है कि हमारे पास NCERT की सारी किताबें हैं, और जिसका अगर जो दुविधा होगी NCERT, NCF 2005, RTE, इन सभी का सहारा लेके हम आपके प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करके आप तक उत्तर पहुंचाएंगे। और ये उत्तर मेरे हिसाब से शाम 7 से रात 10 बजे के बीच आपको उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी विलम्ब होती तो रात 12-1 बज जाएंगे, लेकिन हाँ तब तक हम लोग सोएंगे नहीं कल जब तक उत्तर कुंजी तैयार ना हो जाए, आज तक पहुँच न पाए और सब पहुँच न जाए। और सबसे पहली प्राथमिकता पेपर फर्स्ट, सेकंड प्राथमिकता पेपर सेकंड, लेकिन यह हम नहीं बता पाएंगे कि मैं सबसे पहले किस किस टॉपिक पे आपको आंसर की जारी करूँगा, नहीं तो बहुत सारे पहले से यूट्यूबर तैयार हो जाएंगे कि वो हमारी कॉपी करके अपने में पेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, कॉपी करना अच्छी बात है और ये अच्छा भी लगता है, लेकिन वो फॉर्मेट तब तक तैयार नहीं कर पाएंगे, तब तक वो खुद ही पूरे प्रदेश में फैल जाएगा और आपके द्वारा फैल जाएगा, तब तक उनकी दिल्ली दूर होगी, लेट होगी। इसलिए आप टेलीग्राम पे 12,000 लोग हैं,
फेसबुक पेज पे जुड़े रहिएगा और मेरे एप्लीकेशन जुड़े रहिएगा और जहां भी हो सकता है हर सोशल मीडिया हमारे साथ रहिएगा ताकि हम आपको उत्तर कुंजी उपलब्ध करा सके और आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सके कि आप अभी कितना पहुंचे हैं और कितना पहुंचना बाकी है। रही बात सफलता की, एक बार एनसीए 2005 पढ़ के जाइएगा, पूरी नींद लेकर जाइएगा, टेंशन अपने घर पे मेरे घर पे मेरे पास छोड़ के जाइएगा, क्योंकि टेंशन लेके परीक्षा नहीं देनी है आपको, आप स्वयं परीक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिएगा और साथ ही साथ इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा किसी प्रकार का प्रेशर अपने ऊपर ना लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा है, यह एक परीक्षा और परीक्षा को परीक्षा की तरह से दीजिएगा, पहाड़ की तरह से नहीं। और उम्मीद करते हैं आप अपना बेस्ट देंगे और हमारे उत्तर कुंजी का इंतजार करेंगे, हम आपके साथ हैं तब तक जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाते। आप अपना बेस्ट दीजिए, अपने परिवार और अपने माता पिता का सबसे बड़ा आप साहस है और आप अपने आप में एक महान व्यक्तित्व हैं, क्योंकि आपने एक लंबी तैयारी की है ताकि आप इस महासंग्राम में उतर सके और अपने आप को एक अजय योद्धा साबित कर सके। तो वह दिन वह समय अब एकदम नज़दीक है, चंद घंटों बाद आप उस महासंग्राम में उस महायुद्ध में होंगे जहां से आपको अजय विजेता के रूप में बाहर निकलना। उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयार हैं, बस उस घड़ी का इंतजार है कब परीक्षा में एंट्री करें। एक बात और, पानी साथ लेकर जाइएगा और बाकी चीज़ें के लिए मैंने पहले बता दिया वीडियो में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी, कैसे लेकर जानी, किस पोर्शन में पहले सॉल्व करना है, किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे कैसे क्या करना है, इसके पहले मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बता दी है। तो बस जरूरत उस बात की है कि आप अपने आप को खुद से प्रिपेयर करें और अपना बेस्ट दें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।